CREDA, जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जी हाँ ये एक नोडल एजेंसी है। अगर आपको छत्तीसगढ़ में कुछ भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस या सोलर एनर्जी के ऊपर काम करना है तो आपको इनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा है, ये हमने पहले भी बताया है कि हर स्टेट में एक नोडल एजेंसी होती है। नोडल एजेंसी मतलब कि वहाँ पर उस स्टेट में MNRE की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उस स्टेट में अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो वहाँ की नोडल एजेंसी इम्प्लीमेंट करती है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि नोडल एजेंसी का फर्स्ट वर्ड कई जगह पे कॉमन है और बाकी जो है EDA ये कॉमन है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में, जैसा हमने बताया छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वैसे ही महाराष्ट्र में MEDA महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, गुजरात में GEDA, पंजाब में PEDA, यूपी में UPNEDA, वेस्ट बंगाल में WebREDA, ऐसे ही EDA ये कॉमन वर्ड है। और जो पहला वर्ड है वो है वहाँ का स्टेट का फर्स्ट वर्ड। तो हम क्रेडा के बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये एजेंसी क्या करती है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ मिल रही है, और इन प्रोडक्ट्स को लगा के सही में आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे इन सिस्टम को लगाने के लिए। ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे इस वीडियो में आ रहे हैं संजीव जैन साहब। जी हाँ दोस्तों, संजीव जैन साहब पिछले 30 साल से सोलर की फील्ड में काम कर रहे हैं और वो पिछले 15 साल से क्रेडा के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी कि क्रेडा क्या है, क्या करती है, कैसे करती है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कैसे कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम जैन साहब से ही जानने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलरिज में पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हम इस वीडियो में आपको इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड अंत में क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों अब हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं जो कि है क्रेडा। जी हाँ दोस्तों, CREDA छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जैन सर, पहली बात तो हम आपके तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए हमारे दर्शकों के लिए ये अच्छी जानकारी देने के लिए। क्रेडा क्या करती है, कैसे करती है, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, और अल्टीमेटली छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सोलर एनर्जी तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सारी जानकारी आप देने के लिए राजी हुए, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सर, पहले तो थोड़ा सा ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में क्रेडा क्या एक्टिविटीज़ करती है, क्या पॉलिसीज़ हैं, एक एक करके क्या अचीवमेंट है ये बताएंगे सर, तो हमारे दर्शकों को अच्छा रहेगा। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को, जो सोलर एनर्जी के बारे में आम लोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। मैं क्रेडा की ओर से क्रेडा क्या करता है, क्रेडा की गतिविधियां क्या हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्रेडा, जो कि MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की एक नोडल एजेंसी है, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद पिछले 15 साल से रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के रूप में बड़ी सक्रिय रूप से कार्यरत है। क्रेडा के मुख्य कार्य है रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर्स में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम, ऐसे गांव जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया है उन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना, और उसके अलावा सोलर फोटोवोल्टेइक, रूफटॉप, ग्रिड कनेक्टेड, ऑफ ग्रिड और सोलर के अन्य उत्पादों जैसे वाटर हीटिंग सिस्टम्स, बायोगैस संयंत्र का सक्रिय रूप से अर्बन और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जाना है और MNRE की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। क्रेडा का मुख्यालय रायपुर में है, हमारे हर जिले में जिला कार्यालय है एवं 4 क्षेत्रीय कार्यालय में है। क्रेडा के समस्त जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट creda.co.in में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्रेडा द्वारा पिछले 15 सालों में 2000 से अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। ये ऐसे गांव हैं जहां कभी बिजली नहीं पहुंच सकती थी, यहां पे छोटे सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट, मिनी ग्रिड, माइक्रो ग्रिड के सहारे हर घरों में बिजली पहुंचाई गई है, स्ट्रीट लाइट किए गए हैं, और इन सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने से उनका जीवन स्तर सुधरा है। इसके अतिरिक्त गाँव में पेयजल की व्यवस्था हेतु सोलर फोटोवोल्टिक पंप लगाए गए हैं। ये पंप ड्रिंकिंग वाटर के लिए सोलर फोटोवोल्टिक सबमर्सिबल पंप के सहारे गांव में स्वच्छ पेयजल की सुविधा मुहैया करा रहा है। पिछले 5 साल में
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के माध्यम से हमने 8000 से अधिक स्थानों में पेयजल की सुलभ व्यवस्था की गई है। ऐसे क्षेत्र जहां पर विद्युत पहुंच नहीं सकती है, किसान के पास में फर्टाइल भूमि है एवं जल स्रोत भी है, पंपिंग की सुविधा नहीं होने के कारण, बिजली नहीं पहुंच पाने के कारण वो इरिगेशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट द्वारा पंपों को चलाया जाकर कृषकों को सुविधा उत्पन्न की जा रही है। अभी तक लगभग 50,000 पंपों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है। पंप लगाने के बाद में किसानों की आमदनी बढ़ी है, उनकी लाइवलीहुड बढ़ी है और उनकी उत्पादकता बढ़ी है। जैन साहब, ये तो हो गई भाई कि आपने कितने कितने अचीवमेंट्स किए, आपने इतने पंप्स लगा दिए, इतने होम लाइटिंग किट लगा दिए, इतने रूफटॉप लगा दिए, लेकिन एक ख़ास चीज़ आप भूल गए या शायद मैं बता देता हूँ कि एक काम के लिए आपको एजडेंट अवार्ड मिला है सर। एजडेंट अवार्ड मतलब कि इस फील्ड में बहुत बड़ा अवार्ड है। जी हाँ। तो सर उस क्या आखिर क्या अद्भुत काम किया या क्या डिफरेंट काम किया जिसके कारण आप को ये मिला, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल। क्रेडा द्वारा अपनी ऑनगोइंग स्कीम के तहत प्रदेश के सभी हेल्थ सेंटर्स, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो, वहाँ पर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना की गई है। इस असदन अवार्ड के पीछे मेन कारण है हमारा O&M नेटवर्क। नॉर्मली सिस्टम लगा के लोग भूल जाते हैं, उसको मेंटेन नहीं करते हैं। हमारे O&M नेटवर्क द्वारा इस सिस्टम को मेंटेन किया जा रहा है और इस मेंटेन किए जाने के कारण CEEW की एक रिपोर्ट के अनुसार उन हेल्थ सेंटरों में जहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगे हैं वहाँ 24/7 विद्युत की आपूर्ति हो रही है और उस विद्युत के कारण वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं, उपलब्ध हो रही हैं। ऐसे कई क्षेत्र जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची थी, हेल्थ सेंटर्स या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट द्वारा निर्बाध बिजली प्रदान की जा रही है और उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। यही एक मेन कारण था हमारे असदन अवार्ड का। मेन कारण सर ये तो कुछ हटके है, कुछ तो डिफरेंट है, क्योंकि अक्सर हमेशा बोला जाता है भाई सरकारी योजना मतलब कि इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका जो O&M नेटवर्क ने ये पूरे पूरे स्ट्रक्चर को बहुत मजबूती दी और आज की डेट में गांव-गांव और दूर दूर इलाके में सबको पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर आपको मतलब कि बिजली यानी बिजली मौलिया होने के कारण चिकित्सा सुविधाएं अलग अलग जगहों पे मिल गई, इसलिए ये तो बहुत ही नया काम है सर। अजय जी, नॉर्मली सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विभाग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, मेंटेनेंस की कोई परवाह नहीं करते, जबकि रूटीन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है और इसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया और हम ये कर रहे हैं और हमारी सफलता का यही एक कारण है। ये तो कुछ तो हुआ डिफरेंट और ये कुछ नायाब है और इसके लिए तो आप हकदार हैं सर। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, इस फील्ड में और लोगों को भी एजडेंट अवार्ड मिला है, जैसे कि NK जोशी हुए। NK जोशी साहब को आर्यवत ग्रामीण बैंक में एक अद्भुत काम करने के लिए मिला है, क्रेडा को मिला है, हस पावर को मिला है, सोलर सहेली करके एक कॉन्सेप्ट है, एरोविले सोलर पंप्स के लिए मिला है, सोलर होम लाइटिंग किट के लिए मिला है, सोलर डीप फ्रीजर्स के लिए मिला है। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एजडन इंडिया के वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप ये देख सकते हैं कि आखिर ऐसा इन लोगों ने क्या अद्भुत किया है। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट, समथिंग न्यू, समथिंग रिमार्केबल, और ऐसा करने से सही में दिल को तसल्ली मिलती है। क्रेडा द्वारा सोलर फोटोवोल्टिक रूफटॉप को काफ़ी रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। MNRE की स्कीम के तहत सभी शहरी क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप की इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं। सभी उपभोक्ता जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कंज्यूमर हैं अपनी छतों पर रूफटॉप पावर प्लांट लगाकर उस पावर का उपयोग कर सकते हैं एवं सरप्लस बिजली ग्रिड में भेज सकते हैं। रेगुलेशन के मुताबिक जो भी बिजली एक्सपोर्ट होती है उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। अभी तक 11 मेगावाट के रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में लगाए जा चुके हैं। सरकार की योजना है कि अगले 3 वर्षों में 2022 तक लगभग 600 मेगावाट के रूफटॉप सेंटर के स्थापित किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि घरों में गर्म पानी की आवश्यकता होती है, गर्म पानी की आवश्यकता हेतु सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। ये अत्यंत सुलभ सिस्टम है, छतों पे सिस्टम लगाकर गर्म पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। अभी तक छत्तीसगढ़ में 4 लाख लीटर कैपेसिटी के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार विशेष रूप से सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। जैन साहब, धन्यवाद कि आपने क्रेडा के बारे में ये इतनी जो अहम जानकारी थी वो आपने दिया कि क्रेडा क्या है, क्या करती है
और क्या क्या प्रोडक्ट्स है और क्या क्या पॉलिसीज़ है। दोस्तों प्रोडक्ट्स मतलब कि जैसे आप वाटर हीटर पकड़ लीजिए, या होम लाइटिंग किट पकड़ लीजिए, या सोलर कुकर पकड़ लीजिए, या फिर ग्रिड कनेक्ट सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, ऐसे ऐसे अलग अलग सोलर के प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी हमने ऑलरेडी अपने इस YouTube चैनल पे या Facebook पेज पे प्रोवाइड कर रखी है, और इन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इन प्रोडक्ट्स के दिग्गज लोग यानी कि एक्सपर्ट्स लोग ऑलरेडी इस चैनल पे आ चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रोडक्ट समझ लीजिए, कैसे वो चलता है, कैसे बनता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद अगर आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के पॉलिसी के हिसाब से आप उसको अपने उधर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो पहली बात हुई कि आप पहले प्रोडक्ट समझेंगे, तो पहली बात हुई कि आप पहले प्रोडक्ट समझिए, फिर दूसरी चीज़ होती है वहाँ की जो पॉलिसी है वो समझिए। सर अब अगर छत्तीसगढ़ में किसी को सिस्टम लगाना है, भले वो वाटर हीटर हो या रूफ टॉप हो या ग्रिड कनेक्ट हो, ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, ये सारी की सारी जानकारी जो है आपके नोडल एजेंसी के वेबसाइट पे है ऑलरेडी जी हाँ, और जो आपके जो ऑफिसर्स आपने बताए वहाँ पे जो अधिकारी हैं, आप उन जो किसी को अगर उसके बारे में जानकारी लेनी है तो वहाँ पे नोडल एजेंसी के ऑफिसर्स में जाके जानकारी ले सकता है। सर एक एग्जांपल बता देंगे सर, अगर छत्तीसगढ़ में किसी आदमी को अपने घर पे सोलर वाटर हीटर लगवाना है तो वो कैसे अप्रोच करेगा और कैसे कैसे स्टेप्स लेगा कि उसको सिस्टम भी लग जाए, सब्सिडी भी मिल जाए या जो भी सहूलियत है वो मिल जाए, और अगर रूफटॉप लगवाना है तो कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने हैं, कैसे कैसे कहां कहां से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे सर। जी हाँ, आम लोगों की जानकारी के लिए सोलर प्रोडक्ट वाटर हीटिंग सिस्टम हो या वाटर हीटर हो या होम लाइट सिस्टम हो या बायोगैस प्लांट हो, इससे संबंधित सभी जानकारी हमारी वेबसाइट creda.co.in में उपलब्ध है। कोई भी हितग्राही उस वेबसाइट में जाकर उस प्रोडक्ट या संयंत्र या योजना से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसमें उस योजना की अनुमानित लागत, कितना अनुदान उपलब्ध होगा, उस अनुदान के लिए पात्रता क्या है, उस अनुदान का आवेदन पत्र हमारी वेबसाइट में उपलब्ध है। हितग्राही वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। उसके अलावा अगर ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है तो हमारे जिला कार्यालय में संपर्क कर सभी सामग्री, सभी जानकारी प्राप्त कर आवेदन सबमिट कर सकता है। हम हमारी वेबसाइट में जानकारी लगातार अपडेट करते रहते हैं ताकि लोगों को उसकी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। आम लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि सोलर फोटोवोल्टेक वाटर हीटिंग सिस्टम हो या रूफटॉप सिस्टम हो, इसकी जानकारी MNRE की वेबसाइट में भी उपलब्ध है, दूसरी और नोडल एजेंसी की वेबसाइट में भी उपलब्ध है। हितग्राही इस प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी पहले समझ ले कि वो क्या चाहता है, उसके बारे में सरकारी जानकारी प्राप्त कर ले, उसके उपरांत ही आवेदन करें। जैन सर थैंक यू कि आपने ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। दोस्तों ऐसा है कि हर स्टेट में अपनी अपनी एक नोडल एजेंसी है, जैसे अपना छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो क्रेडा नोडल एजेंसी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि पहले आप प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले लें। आपने एक बार प्रोडक्ट समझ लिया कि वो चलता कैसे है और सही में उससे फ़ायदा होता है कि नहीं, फिर जाके आप वो स्टेट नोडल एजेंसी की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो पॉलिसीज़ हैं ये हर साल अपडेट होती रहती हैं, तो आप जब भी प्रोडक्ट लें तो आप हमेशा अपडेटेड वर्जन लें। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन या तो वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर छत्तीसगढ़ में स्टेट नोडल एजेंसी की ऑफिस में मिल सकता है या इनके जो या जो अलग अलग ऑफिसेस हैं उनमें भी मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानने की कोशिश करेंगे एक है सौभाग्य स्कीम और एक है रूफटॉप सोलर सिस्टम। ये आज की डेट में मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके बारे में भी जैन साहब से इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें और लोगों के साथ भी शेयर करें, शायद इस इन्फॉर्मेशन की किसी को ज़रूरत हो। तो दोस्तों जैसे कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हम इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो का जो क्वेश्चन है, जैसा कि जैन साहब ने बताया कि क्रेडा का एक वेबसाइट है जहाँ पर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो है creda.co.in। और हाँ दोस्तों क्वेश्चन ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में सोलर वाटर हीटर लगाने के लिए डोमेस्टिक कस्टमर हो या इंडस्ट्रियल कस्टमर हो, उनको सब्सिडी मिलती है। अब ये सब्सिडी कितनी मिलती है यही आपको हमको लिख के बताना है। अब ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है, कैसे देना है और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
और अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं रूफटॉप पॉलिसी के बारे में और सौभाग्य स्कीम के बारे में। थैंक यू।